उज्जैन यूनाइटेड प्रेस क्लब ऑर्गेनाइजेशन के पत्रकार समिति गठन के अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि देश की सेना जिस तरह से देश की रक्षा करती है, ठीक उसी प्रकार देश के अंदर हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर कर पत्रकार भी देश की रक्षा करते हैं, इसलिए मीडिया को मैं सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस मानता हूँ। देखिए खास रिपोर्ट। और साथ ही देपालपुर में संगठन की सदस्यता देते हुए कहा कि नाम मात्र का सदस्यता शुल्क लेकर सभी पत्रकार साथियों को पहचान पत्र वितरित कर सदस्यता दी जाती है। संगठन पत्रकार के हितों में जो भी उचित कार्य होगा करेगा, सभी के लिए एकजुट होकर सहयोग करने की बात कही। और आगे कहा कि अधिमान्य पत्रकारों को जो सुविधा सरकार दे रही है, ऐसी सुविधा सभी पत्रकारों को मिलना चाहिए। इस अवसर पर क्लब के राष्ट्रीय सचिव धर्मेंद्र रांगवे, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष डॉक्टर मुकेश पांचाल, प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी, उपाध्यक्ष दाऊद कुरैशी आदि लोग उपस्थित रहे। सर, आज आप उज्जैन और में पहुँचे हैं और यूनाइटेड प्रेस क्लब का गठन किया है, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, पत्रकारों के हित के लिए ही इस यूनाइटेड प्रेस क्लब ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया है। जिस तरह हमारी आर्मी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, मेरा मानना है कि आज जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है वो पत्रकार है। जैसे कि आर्मी हमारे बाहर के दुश्मनों से हमारे देश की रक्षा करती है, वैसे ही हमारे पत्रकार हमारे देश के अंदर जितने भी भ्रष्टाचार हैं उनको एक्सपोज करके अपने देश की रक्षा ही कर रहे हैं और अपने देश की संपत्ति को ही बचा रहे हैं। आपके संगठन में कितने लोग ऐसे जुड़े हैं? देखिए, अभी हमारी गठन प्रक्रिया चालू है, 40 से ज़्यादा, कभी मैं मध्य प्रदेश की बात करूँ तो 40 से ज़्यादा जिलों में हजारों की संख्या में पत्रकार हमसे जुड़ रहे हैं। और हम सिर्फ अभी मध्य प्रदेश तक ही सीमित नहीं है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी राष्ट्रीय स्तरीय हो चुका है और बाहर से भी, जैसे उत्तर प्रदेश की हम बात करें, गुजरात की बात करें, बॉम्बे की बात करें, दिल्ली की बात करें, सभी दूर अभी हमारी गठन प्रक्रिया चालू है। क्या सदस्यता के लिए कोई शुल्क निर्धारित किया गया? जी हाँ, सदस्यता के लिए हमने एक नॉमिनल शुल्क निर्धारित किया है। पत्रकारों के हित में संगठन द्वारा क्या काम किए जाएंगे सर? देखिए, कभी हम पत्रकारों की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पत्रकार आज अपना सर्वस्व इस देश पर न्यौछावर कर रहा है और वो भी बिना किसी स्वार्थ के। दिन रात सिर्फ एक ही काम है उनका कि किस तरीके से भ्रष्टाचार को हम एक्सपोज करें और अपने देश की संपदा को बचाएं। तो डेफिनेटली उनके हित के लिए भी हमें सोचना पड़ेगा और इस सरकार को भी सोचना पड़ेगा। तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने जो उनके हित के लिए सोचा है उसमें से कुछ चीज़, तो सबसे पहले हम पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट की बात करना चाहेंगे। हम सबसे पहले पूरे देश में उसको लागू कराना चाहेंगे। फिर हम आगे बात करें तो पेट्रोल अलाउंस, जो कि बहुत ही मस्ट है, हर पत्रकार को देना चाहिए, उस पर ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत जल्दी वर्क करने वाला है। टोल टैक्स की हम बात करें तो आज की तारीख में किसी पत्रकारों को टोल टैक्स फ्री नहीं है, इस पर हम बात करना चाहेंगे। देन एक्सीडेंट होने पर या कोई हादसा होने पर किसी प्रकार की जो राशि है वो हर पत्रकार के लिए अभी अवेल नहीं है, तो वो हम राशि की हम बात करना चाहेंगे। फिर अधिमान्यता और गैर अधिमान्यता में जो सरकार ने पत्रकारों को बांट रखा है वो उसकी इक्वेलिटी हम अपने पत्रकारों को सभी के लिए समान रूप से लागू कराना चाहेंगे। देन एजुकेशन की बात करें तो हम चाहेंगे कि हमारे पत्रकार के जो बच्चे हैं तो उनके लिए हम 50% का प्रावधान डेफिनेटली लाना चाहेंगे। ट्रांसपोर्टेशन पर हम चाहेंगे कि उनका किसी प्रकार से कोई पैसा ना लगे। दूसरा, जितने भी रेस्ट हाउस है उन वहाँ पर भी उनको डेफिनेटली वो सुविधाएं हम उनको मुहैया करेंगे। एक चीज और सामने देखने को आई थी कि उज्जैन में एक संस्था है जो मोटर व्हीकल की बात करते हैं, उनने आपके पत्रकारों को कुछ छूट देने की बात कही, क्या है? जी जी, एक्चुअली संस्था एक के एक जो हमसे जुड़े हैं उनके पास कुछ बसें हैं, 5 बसें, तो जहाँ जहाँ जिन जिन पत्रकारों के पास हमारा कार्ड होगा यूनाइटेड प्रेस क्लब ऑर्गेनाइजेशन का, तो टोटली उनकी बसें जो चलती है जिस रूट पर वो कभी कार्ड दिखाते हैं तो निशुल्क व्यवस्था उन लोगों के लिए उस बस में सफ़र करने की रहेगी। आपका नाम और पद? डॉक्टर दीपक वर्मा, देवास से हैं। अध्यक्ष आप यूनाइटेड प्रेस क्लब के? जी, मैं यूनाइटेड प्रेस क्लब ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ।